अमरीका विच नैशनल गार्ड दे हज़ारां मैंबरां वल्लों कोविड-19 विरोधी टीका लैण तों इनकार किया जा रहा है। इस दे चलदिआं उन्हां वल्लों फौज दे मैंबरां लई लाजमी टीकाकरण दे आदेश नूं अदालत विच चुनौती भी दित्ती जा रही है। अमरीका दे टैक्सस विच अधिकारियों ने दस्सिआ है कि नैशनल गार्ड दे हज़ारां मैंबरां वल्लों कोविड-19 विरोधी टीका लैण तों इनकार किया जा रहा है। इस संबंधी जानकारी दिंदे होए टैक्सस दे अटॉर्नी जनरल कैन पैक्सटन ने कहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडन की सरकार वालों जारी फौज के मैंबरों लिए लाजमी टीकाकरण के आदेश को अदालत में चुनौती दी है। ओकलाहोम के गवर्नर की अजिही चुनौती को एक संघी जज वालों खारज करने के एक हफ्ते बाद पैक्सटन ने मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा गार्ड के मैंबरों लिए टीके लगाने को लाजमी बनाने लिए रिपब्लिकन पार्टी के बढ़ रहे विरोधों के विचकार दायर किया गया है। दस दिए कि नैशनल गार्ड ने टैक्सस में 20,000 तो वध मैंबर हैं जो किसी भी राज विच तैनात सब तो वड्डी टुकड़ी है। पूर्वी टैक्सस की एक संघी अदालत विच दायर मुकदमे मुताबक इस दे लगभग 40% आर्मी नैशनल गार्ड मैंबर धार्मिक अते होर कारणों का हवाला देंदे होए कोविड-19 विरोधी टीके लैण तो इनकार कर रहे हैं। इस विच कहा गया है कि टैक्सस गार्ड के 200 तो वध एयरमैन भी टीकाकरण तो इनकार कर रहे हैं। रक्षा सकत्तर लॉयडन आस्टीन ने फौज के सारे मैंबरों लिए टीके लाजमी बनाने के फैसले को कई चुनौतियों का सामना करना पै रहा है। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।